हेलो टीचर्स, इस वीडियो में हम दृष्टि दोष विषय पर चर्चा करेंगे। यह पाठ रेनी कुमारी मैम द्वारा कक्षा में संचालित किया गया था और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। यह विषय आमतौर पर 10वीं कक्षा के छात्रों को मानव आँख की संरचना, कार्य और लेंस कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ऑप्टिक्स बॉक्स का उपयोग करके मानव आँख के दोष मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष और बर्ल मॉडल का उपयोग करके प्रेसबायोपिया और एस्टिगमेटिज्म जैसे दोषों का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन प्लान के शिक्षिका ने दृष्टि दोष के बारे में चर्चा के साथ कक्षा की शुरुआत की। उन्होंने चश्मा पहने हुए छात्रों से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि वह किस प्रकार के लेंस को पहन रखा है। फिर विषय और गतिविधि का परिचय देने के बाद कि इस गतिविधि में अलग अलग दूरी की वस्तुओं पर हमारी आंखें कैसे केंद्रित होती है, छात्रों से उनकी आंखों से अलग अलग दूरी पर रखी गई पुस्तक की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। पहले लगभग 40 सेंटीमीटर पुस्तक को बाहों की लंबाई पर और फिर आंखों के बहुत करीब 10 सेंटीमीटर पर रखा गया था। फिर छात्रों को अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने और यह अनुमान लगाने के लिए कहा गया कि किस दूरी पर पढ़ना सबसे अधिक आरामदायक है। छात्रों को विभिन्न उत्तल लेंसों के साथ किए गए प्रयोगों के बारे में बताया गया और उनके अलग अलग फोकल पॉइंट कैसे बदलते हैं, इस पर चर्चा हुई। इसी तरह हमारी आंखें लेंस के आकार को बदलकर अलग अलग दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। हम आराम से पढ़ सकते हैं जब लेंस रेटिना पर एक साफ छवि केंद्रित करता है, लेकिन कुछ दोषों जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में यह फोकल बिंदु बदल जाता है। इसे एक ऑप्टिक्स बॉक्स के साथ और अधिक एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्टिक्स बॉक्स एक नरम लकड़ी का बक्सा है जिसके अंदर एक बल्ब है। बॉक्स का एक हिस्सा खुला हुआ है जहाँ हमने एक लेंस रखा है। सुनिश्चित करें कि बल्ब का फिलामेंट इस लेंस के केंद्र बिंदु पर है। हम बॉक्स के खुले हिस्से के सामने 3 स्लिट्स वाला एक कार्ड रखते हैं। उत्तल लेंस लगाने से प्रकाश की किरणें उसके केंद्र बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। इस सेटअप में हम एक मॉडल पेश कर सकते हैं जो मानव आंख में लेंस की स्थिति दिखाता है। हमारे नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है और रेटिना सामान्य रूप से लेंस के केंद्र बिंदु पर होता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में रेटिना फोकल दूरी से अधिक करीब हो सकती है, अतः हम दिखा सकते हैं कि उत्तल लेंस किस प्रकार इस दोष को दूर कर सकता है। मायोपिया के मामले में रेटिना फोकल दूरी से अधिक दूर हो सकती है, तब हम दिखा सकते हैं कि कैसे एक अवतल लेंस इस दोष को ठीक कर सकता है। इस मॉडल ने छात्रों को यह समझने में मदद की कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के साथ आंखों में क्या हो रहा था, जब लेंस संयुक्त होते हैं तो प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। इससे उनकी समझ को संशोधित किया गया। अन्य दोष जैसे कि प्रेसबायोपिया, जो उम्र बढ़ने के कारण होता है, को मानव आई मॉडल का उपयोग करके समझा जा सकता है। यह मॉडल पीवीसी पाइप, प्लास्टिक बॉल, ट्रेसिंग पेपर और उत्तल लेंस का उपयोग करके बनाया जा सकता है। पीवीसी पाइप के माध्यम से अपने आसपास की वस्तुओं को देखें। ट्रेसिंग पेपर पर बनने वाला प्रतिबिंब, जो रेटिना का प्रतिनिधित्व करता है, उल्टा होता है। पीवीसी पाइप के थोड़े से समायोजन के साथ रेटिना पर पास की वस्तु धुंधली छवि बन गई। प्रेस बायोपिया के साथ आँखों, जो उम्र बढ़ने के कारण दोष है, ऐसी छवियां शिक्षक ने दिखाया कि आई मॉडल के सामने उत्तल लेंस का उपयोग करके इस प्रकार के दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। अंतिम दोष एस्टिगमेटिज्म का अध्ययन किया गया। यह मानव आंख के लेंस में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। एस्टिगमेटिज्म के साथ आंखों से किस प्रकार के चित्र बनते हैं, यह दिखाने के लिए आई मॉडल के सामने प्लास्टिक के कागज का एक टूटा हुआ टुकड़ा रखा गया था। इस मामले में बनाई गई धुंधली छवियां मल्टीपल एक्सेसेस, कई अक्षों के दोषों के कारण होती हैं और इन दोषों को ठीक करने के लिए विशेष लेंस का उपयोग किया जाता है। भले ही
नेत्र में दो दोष एक छोटी अवधारणा है, लेकिन छात्रों को अक्सर ये वंडरफुल लगता है क्योंकि उन्हें बहुत से नए शब्दों को सीखना होता है और उनके बीच के अंतर को याद रखना होता है। इस वीडियो में प्रदर्शित की गई गतिविधियों से छात्रों को यह देखने में मदद मिलती है कि वास्तव में इन दोषों में क्या हो रहा है और कई अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। जैसा कि शिक्षक ने उल्लेख किया है, गतिविधियों को दिखाए जाने पर कक्षा बहुत इंटरेक्टिव थी और कई दिलचस्प प्रश्न पूछे गए थे। इस लेसन प्लान का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृपया इन गतिविधियों को आजमाएं और हमें अपना अनुभव बताएं। शुक्रिया।